हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात MPPEB ने जेल प्रहरी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। 1979 पदों के लिए उम्मीदवार 20 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं 20 जनवरी से 8 फरवरी 2023 तक फॉर्म में करेक्शन करने की डेट है और 11 मई 2023 से परीक्षाएं शुरू होंगी। दोस्तों, वन रक्षक के लिए सभी जानकारी है। योग्यता इसमें 12वीं पास मांगा गया है। आयु सीमा 18 से 33 साल। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वहीं सिलेक्शन आपका लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के माध्यम से होगा। फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा और महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। वहीं जेल प्रहरी के लिए योग्यता 12वीं पास मांगा गया है। इसमें आयु सीमा 18 से 33 साल और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसमें सैलरी आपको 5200 रुपये से लेकर 20200 रुपये प्लस 1900 का ग्रेड पे रहेगा। दोस्तों, जेल प्रहरी फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को 2 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं 7.260 किलोग्राम का गोला 20 फीट तक फेंकना होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों को 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा 4 किलोग्राम का गोला 16 फीट तक फेंकना होगा। वहीं फिजिकल टेस्ट में सिर्फ क्वालिफाइंग करना जरूरी है। जो दौड़ में फेल होगा उसे गोला फेंक में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वहीं क्षेत्र रक्षक में जाने वाले उम्मीदवारों के लिए योग्यता 12वीं पास रखी गई है। आयु सीमा इसमें 18 से 33 साल और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सिलेक्शन आपका लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के माध्यम से होगा। वहीं फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। दोस्तों, तीनों भर्तियों के लिए एग्जाम पैटर्न इस प्रकार से रहेगा। 2 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान से मल्टीपल चॉइस टाइप के 12वीं कक्षा के लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं परीक्षा 100 नंबर की होगी और हर सही प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोस्तों, तीनों भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए 520 रुपये लगेंगे और SC ST तथा OBC एवं दिव्यांगों के लिए 250 रुपये फीस लगेगी। इस प्रकार से ये तीनों भर्तियां हैं। यदि आप इन भर्तियों में जाना चाहते हैं तो ज़रूर ऑनलाइन आवेदन करें और इस भर्ती का लाभ लें। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।